लिए आज का जो आपका प्रोटेस्ट है? जय श्री राम। राजन मल्लिहांगल जिला संयोजक जिला कठुआ। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो आतंकवाद और इन जिहादियों के खिलाफ था, जिन्होंने हमारी हम हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र जो मेवात के नूह जिले में हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पे वहाँ की जल अभिषेक यात्रा पर इन्होंने हमला किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम हिंदू हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जो आज आह्वान किया था कि पूरे देश भर में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में हर जिला में ये प्रोटेस्ट था जो आज हमने कार्यक्रम रखा था, और इसी के साथ वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने वहाँ पे उनका घर था उन लोगों के हिंदुओं के ऊपर उन्होंने आतंकवाद की तरह हमला जो किया, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई काम थे वो एक अभिषेक जो जल यात्रा है वो महादेव के वहाँ पे लेके जा रहे थे। उन्होंने पहले से ही साजिश बनाई हुई थी कि हम यहाँ पे इनके ऊपर पथराव भी किया, गोली भी चलाई उन्होंने और वहाँ पे ग्रेनेड भी फेंके गए। अभी हमारे बहन भाई जो यहाँ पे मंदिरों में बंद है वहाँ की पुलिस भी उन्होंने भगा दी। इतना आतंकवाद जो एक हिंदुस्तान में भारत के अंदर जो एक पाकिस्तान बनाने की जो साजिश हो रही है, जे हम हर किस नहीं बनने देंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमेशा खड़ा हुआ है भारत के साथ। हमारा काम ही यही है, सुरक्षा, संस्कार और सेवा, और यही हम करते आ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर पूरे 12 बजे ये प्रोटेस्ट हमारे शुरू हैं, आज कठुआ में है, लेकिन जम्मू उधमपुर जितने भी हमारे जिला यहाँ पे हैं वहाँ पे ये प्रोटेस्ट आज हो रहा है। सर, मुस्लिम आतंकवाद को लेकर नारेबाजी की गई है, क्या देते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह का सारा फैला रहे हैं? ये सरकार के आगे हार जो आगे रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी षड्यंत्र इनके पीछे जो हो रहा है, जो साजिश हो जी, जो किलिंग इन्होंने की है वहाँ पे, कुछ लोगों को मारा गया, पुलिस वाले को गोली वहाँ पे लगी है, थाना जला दिया, कुछ 50 गाड़ी इन्होंने जला दी है, छोटे छोटे बच्चों को जो आतंकवाद की ट्रेनिंग है जो देते हैं, जो आपने देखा होगा टीवी में, जो छोटे छोटे बच्चे जो 16-16, 15-15 साल के हैं, 20-20 बच्चे क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, कारें लगी हैं वहाँ पे, लेकिन उनको पलटा के आग लगा रहे हैं, वो टीवी में आ रहा है, हर जगह पे वो आ रहा है, आप देख सकते हो इसमें कुछ और। लेकिन जो आतंकवाद है, जो मुस्लिम आतंकवाद और जिहाद, इसको हम जड़ से खत्म करेंगे। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। केंद्र सरकार मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन ये कहाँ भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस तरह से हम इनकी कार्रवाई करें, किस तरह से हम लोगों की ड्यूटी लगाएं। आज क्या ऐसी आफत आ गई, मुझे लगता है कि जे भी लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं, जो भी कोई हो, कोई ना कोई षड्यंत्र जा रहे हैं, इनके पीछे कौन है, ये वहाँ पे हमारी प्रोटेस्ट चल रही है, वहाँ पे हमारे बजरंग दल बीजू हिंदू पर लोग लगे हुए हैं, जो जल्दी आपको पता चल जाए। हरियाणा में इस प्रकार की जो घटना घटी है बड़ी दुखद है। हमारे हिंदू धर्म में तो एक ही बात आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन मैं हिंदुओं को आप लोगों के माध्यम से अपने भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इस मंत्र के ऊपर चलते रहे तो हमारा जो भविष्य है वो डार्क है, खतरे में है। जैसे हम नहीं चाहते किसी को, हम किसी कौम के ऊपर प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते, लेकिन हद हो गई है, हद हो गई, तो उसका निवारण जो हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला है हिंदू राष्ट्र गोष्ठ, तो ये तभी ही इसी के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। मैं ठीक है, एक सवाल आया कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट है सरकार है बीजेपी की है, सेंटर में भी है, सेंटर में भी मोदी सरकार है, क्या इसे रोकने में नाकाम हूं? मैं कहता हूं कि मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी हमारी विनती है कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, अगर एक आंख भी आप खोल दो, जैसे जोगी ने खोली है, सीएम जोगी यूपी के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं नमन करता हूँ उनके आगे, वो ऐसा बुलडोजर बाबा की जरूरत है। आजकल जो है वो ये नहीं चलता कि जो पॉलिसी चलेगी नहीं चलेगी, हमारी खट्टर सरकार से निवेदन है हमारे सभी लोगों की, मैं विनती करता हूँ, जो मेरा 85 साल का जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है, मैं एक आर्मी का हूँ, एक सर्विसमैन हूँ, हमारा तो एक ही एम रहा है, डू एंड डाई बट डोंट क्वेश्चन व्हाई। तो इस वक्त जो है वो सख्त एक्शन की जरूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट को चाहिए, इन लोगों के जल्दी से जल्दी अतिशीघ्रता से ये वर्क जो है जल्दी से जल्दी इनको सलाखों पीछे धकेला जाए और इनके ऊपर
मैं फोर्थ वे एक्शन लिया, अदरवाइज द सिटी इज लाइकली टू बी वेरी ट्रस्टेड. आई वुड लाइक टू कन्वे, आई वुड लाइक टू गिव माई मैसेज टू द गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट कंट्रोल करिए. कब तक चुप बैठेंगे हम, कब तक हम चुप बैठेंगे? मणिपुर वायलेंस, मैं आपका जो है देखो, मैं सब कुछ देखता रहता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का जो क्या गवर्नमेंट बीजेपी की है, क्या वो कोई और है? ये फर्ज बनता है, अगर कोई देश में कोई उत्पात होता है, देश में कोई दंडता करता है, तो उसका इलाज क्या? वो तो एक घर में भी होता है. आप कहते हैं मणिपुर ठीक है, लेकिन गलती है, कहीं गलती है तो मेरी आप लोगों के माध्यम से मेरी विनती रहेगी और हिंदुओं को भी मेरी विनती रहेगी. मैं एक 85-84 साल वाला अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. आप लोगों को जागना पड़ेगा, जब तक आप नहीं जागोगे तो मैं कहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे, फिर सोते रहोगे. सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह